क्या सही जॉब है ना अपना, हॉट बंदियों को हाय बोलो, उन्हें ड्रिंक सर्व करो और उसके ऊपर से सैलरी भी मिलती है। मैं तो पैसे दे के भी ये काम करूँ यार। तेरा पता नहीं लेकिन मुझे इनमें से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, मेरा टाइप नहीं है। अबे तो कौन है तेरे टाइप की, आंटियां? डेफिनेटली नॉट आंटियां, बट ये नशे में झूमती हुई लड़कियां, फेक हंसी वाली, नहीं। आई मीन ये देयर ऑल प्रीटी बट वो बात नहीं है। मत देख। जानता है कौन ही है? जानता तो मेरे साथ होती। ऋषभ सक्सेना की गर्लफ्रेंड है। मत देख उधर। कौन है ऋषभ सक्सेना? विस्की ऑन द रॉक्स, तू के लेगी मोजीतो, एक मोजीतो नॉर्मल, जल्दी बना ले। सही हो, मोहितो। बाप ने अंग्रेजी सिखाओगा तू, मन सिखाओगा? मोजीतो एक मोहितो है, अगर मोजीतो कहा है तो मोजीतो ही है यो। जितनी तेरी एक महीने की सैलरी है ना, उससे ज्यादा मैं एक रात में उड़ा देता हूँ। क्या हुआ सर? जी तो इन प्रॉब्लम सर, तेरा ये बार टेंडर अपनी औकात भूल रहा है, इसने इसकी औकात याद दिलाऊंगा। ऋषभ सक्सेना तोड़ जाएगा तू, मेरे तो पंगा लेगा। ऋषभ प्लीज काम डाउन सर, आप आइए सर, मैं बात करता हूँ सर। और सुन, मुझी तो ही है यो, सुधार ले इसने। आप चलिए ना सर, मैं बात करता हूँ, प्लीज चलिए। जानता नहीं कौन है ये, अगर उसके बाप को पता चल गया ना तो कल सुबह बंद हो जाएगा ये क्लब, अगली बार कोई भी पंगा लिया ना तो तेरा आखिर दिन होगा यहाँ, समझा? सॉरी सर। कहा था ना मैंने, अबे कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो आता रहता है यहाँ पे क्लब में इसी बंदी के साथ, ट्रीट ऐसे करता है जैसे डोरमैट है उसके। खैर तू अपनी नौकरी बचा, फालतू के झंझटों में मत पड़, बड़ा आदमी है, बड़े कनेक्शन है, मर मरा जाएगा बिना बात के। चल काम पे धंधे। दो चार ग्लास में हो गया तेरा, जब झिलती नहीं है तो पियो क्यों इतना, मन्ना भी पी है ना, कर रहा हूं तेरी तरह उल्टियां, पूरे मूड की मप। सॉरी ऋषभ। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? तेरे को मैंने बताया था कि माँ पापा नहीं है घर पे, आज चलेंगे साथ में, पर तेरे को तो उल्टियां करनी है ना यहाँ, उल्टी कर तू अब, और इतना पेशेंस नहीं है मुझ में कि मैं यहाँ बैठू और तेरी उल्टियां देखू। जा रहा हूं मैं आज ही अपने आप, चल रहा आ जाएगी। बड़ा बदतमीज इंसान है, पहले जबरदस्ती आपको ड्रिंक्स पे ला रहा था और अब। एनीवेज प्लीज यू डोंट फील बैड, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। हु द हेल आर यू?
आई एम जहीर द बारटेंडर। अपने काम से काम रख के डोंट इंटरफेयर। ओके need help. You know what? Rishabh is right. मैं इतनी stupid हूँ. अपना फोन, बैग, घड़ी सब उसके कार में भूल गए. और मैं Listen, मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ if you don't mind. क्यों जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ घर? मैं strangers की कार में नहीं बैठती हूँ, okay? मेरे पास कार नहीं है, आप बोलिए क्या करना है। प्लीज डोंट टच मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। ओके आई एम ओके। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ड्रंक हैं और ऊपर से ये हाई हील्स, इट्स नॉट अ रियली गुड कॉम्बिनेशन, इसलिए प्लीज इसे उतार दीजिए। एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई डजंट मीन तुम मेरे साथ फ्रैंक हो जाओ, ओके? और अपने ये सजेशंस ना अपने पास ही रखो। आई लव माई हील्स एंड ऋषभ लव्स माई हील्स। उसे लगता है कि मैं हील्स में बहुत सेक्सी दिखती हूँ। Okay. But आपको नहीं लगता कि उसे आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था? I mean it's a little weird, no? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? Boyfriend है वो मेरा। वो जैसे भी चाहे वैसे मुझसे बात कर सकता है। हक है उसका। और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? Just mind your own business and leave me alone. कहा था leave me alone? मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में कहाँ चल रहा हूँ, आपके पीछे चल रहा हूँ। And honestly, आपकी बात मान भी लेता अगर आपने इतनी पी ना होती। But now, no ways. Please, ये dialogues ना किसी और को जाके सुनाओ। Just go. आ गया मेरा घर, अब क्या अंदर तक आओगे? अरे तू कुछ नहीं कर सकता यार, क्यों फालतू में? तू वहां पे नहीं था यार, तूने कुछ नहीं देखा इसलिए तू कुछ मत बोल। पहले तो वो जबरदस्ती उसे खुद ड्रिंक्स पिला रहा था, उसके बाद बदतमीजी से सबके सामने बात कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था वो उसका पर्सनल मैटर है, तुझे क्या करना? और वैसे भी उसने बोला तुझे हेल्प के लिए। हाँ उसने बोला कि मुझे आके बचाओ, तो फिर क्यों पंगे ले रहा है? देख तुझसे कुछ नहीं होगा, समझा? मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी। डूड दो शॉट बना दे। यस सर। Your shot, sir.
पहली ऐसी लड़की होगी जो बा में आकर शॉर्ट्स नहीं पानी पी। इन केस आज रात भी आपका बॉयफ्रेंड कल रात की तरह आपको बीच रास्ते में छोड़ गया, एटलीस्ट ही वोंट बी ड्रंक। कम से कम एक तो असली पिला दे। श्योर। हियर यू गो। चीयर्स। यू आर नाइस। लोगों से हैंडल नहीं होता तो इतनी पीते क्यों है? Not bad. मुझे पानी पिलाकर मेरे शॉट के पैसे भी बिल में ऐड कर दिए। सही तरीका है वैसे पैसे कमाने का। hey, मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की है। उसने जितनी बार दो शॉट्स मांगी मैंने उसे दो ही शॉट्स दिए। बस दोनों शॉट्स उसी के गिलास में डाल दिए और आपके गिलास में पानी। मतलब उसने 7 शॉट्स की जगह 14 शॉट्स पिए हैं। मैथ्स काफी अच्छी है आपकी। वैसे तुमने पूछा नहीं बट आई एम अलीशा। I'm Zahir, the bartender. अच्छा अब हम दोस्त बन गए तो you don't have to say आप है ना, तो मुझे तुम बुला सकते हो। I won't feel bad. और तुम मुझे घर भी ड्रॉप कर सकते हो if you don't mind. Sure. After you. By the way, Zahir, thank you. उस रात मुझे घर ड्रॉप करने के लिए और आज के लिए भी। मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, so you don't have to say thank you. It's just that मैं बदतमीज लोगों को थोड़ा tolerate नहीं कर सकता, so basically उसे सबक सिखाना था. That's it. ऋषभ से पंगा मत लो। वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं है। उसका गुस्सा उसके और उसकी फैमिली की। Listen, firstly पहले मैं कोई पंगे वंगे नहीं ले रहा हूँ और दूसरी बात मैं गलत को चुपचाप ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकता। एनीवेज दैट्स माय प्रॉब्लम सो लेट्स जस्ट लीव इट। आप अपना बताओ। आप आई मीन तुम या तुम्हारे जैसी अच्छी खासी लड़की उस तरह के लड़के के साथ क्या कर रही है? पता नहीं, पिछले साल उसने मुझे प्रपोज किया एंड आई थॉट ही इज अ नाइस गाय। तो वो लड़का तुम्हें नाइस गाय लगा किस एंगल से? इसलिए मुझे हील्स बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, उस रात तो अच्छा खासा लेक्चर दिया था तुमने मुझे हील्स के ऊपर और ये भी कहा था कि तुम्हारे उस नाइस गाय को तुम हील्स में बहुत सेक्सी लगती हो। क्या याददाश्त है। पर सही तो कहता है वो, मैं पजामा और चप्पल्स में तो क्लब नहीं जा सकती ना। Why not? अगर तुम पजामा और चप्पल्स में कंफर्टेबल हो तो तुम क्लब क्या कहीं भी जा सकती हो। just be yourself. पागल हो गए हो क्या? ऋषभ will kill me. उसे मैं हमेशा परफेक्ट दिखनी चाहिए। परफेक्ट।
तुमने अपना जैकेट ऐसे क्यों दे दिया उन्हें? क्योंकि मैं तो नई जैकेट खरीद सकती हूँ ना। इट्स फनी यू नो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कितने खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी। एनीवे, इसी बहाने मुझे नया जैकेट खरीदने को मिलेगा। और तुम्हारे मॉम डैड, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे शॉपिंग से? इनफैक्ट वो तो खुश होते हैं, क्योंकि जब भी वो मेरे बिल्स पे करते हैं तभी उन्हें याद आती है कि उनकी बेटी भी है। Hey, it's all good. I'm used to it. Don't worry about it. Come. Thanks again, Sahir. मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक नया फ्रेंड बनाकर मुझे अच्छा लगा। Thanks again, Sahir. अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मगर नहीं, तुझे तो लाइफ में ट्विस्ट चाहिए था। पूरे पब में तुझे वही एक लड़की मिली। अब अपने मरने के दिन गिन ले, बता रहा हूँ मैं। अबे तू हंस रहा है? कमाल है यार। तू ताड़ना बंद कर, गर्लफ्रेंड है मेरी, पर तू यहाँ का मामूली सा बारटेंडर, 2 मिनट में नौकरी जागी तेरी। जाना है मैं कौन हूँ? मेरा बाप ऐसे 100 क्लब खरीद सकता है? अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखा ना तो तेरी आंख निकाल लूंगा। सर, ऑन द रॉक्स या शॉर्ट्स, क्या लेंगे आप? तू पिलाएगा मुझे? तेरे समझ नहीं आ रही मैं इतनी देर से तुझे क्या कह रहा हूँ? अपनी औकात में रह, वरना जो आंखें हैं ना ये बाहर निकाल लूंगा। समझ नहीं आई तुझे? चल, क्या रहे हैं? तुझे ये 2 कौड़ी का लड़का पसंद है ना? ऋषभ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? मैं सिर्फ उसे हाय कहने आई थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से भी नो ही चाहता। मैं था ना तेरे साथ, मुझे हाय बोलती? बड़ा हंस रही थी ना वो। अब हंस। तू सब यू हर्टिंग मी, और तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं किससे बात कर सकती हूँ और किससे नहीं। जस्ट लीव मी अलोन। लड़कियों से इस तरह पेश नहीं आते। तू सिखाएगा मुझे कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से कैसे बात करनी है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस। सिखा। सिखाना, सिखा कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, सिखाना, सिखा। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, किसने लगा जाइए? तुम्हें समझाया था ना मैंने? तुम्हारी वजह से ये क्लब बंद नहीं कर सकता मैं, समझे? You are fired. Out. Move.
तुम यहाँ? विक्रम ने एड्रेस दिया। कम इन। बहुत चोट लगी है ना? पंगा मत लो उसे, उसका गुस्सा इतना खराब है। तो उसके गुस्से से डर जाता मैं? वो तुम्हें हर्ट करता रहता और मैं चुपचाप देखता रहता। मैं किसी को हेलो भी कहूँ ना तो पता नहीं ऋषभ को क्या हो जाता है। मुझे लेकर वो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है। पोजेसिव नहीं है, इनसिक्योर है वो। He's a horrible person. तुम उसके साथ हो ही क्यों अलीशा? इसलिए क्योंकि मेरे डैड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। I mean, डैड के साथ मैं हमेशा एक रिबेल सी ही रही हूँ। जब उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो मेरे लाइफ डिसीजंस में इंटरफेयर करने का उन्हें हक भी नहीं होना चाहिए, राइट? बस इसी जिद में वो जो भी चाहते हैं मैं उसका ऑपोजिट करती हूँ। ट्रस्ट मी अलीशा, यू डिजर्व बेटर। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ तुम वो टिपिकल हाई हील्स पहन के पार्टी करने वाली लड़कियों में से नहीं हो। यू डिजर्व समवन जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें पसंद करे, ना कि तुम्हें बदलने की कोशिश करे। जैसे मैं मुझे अपना बना। और मैं ये क्यों मानू कि तुम वैसे नहीं हो? सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। क्योंकि मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती पब्स में खींच कर लेकर नहीं जाऊंगा। तो मुझे बाथरूम स्लिपर्स में भी उतनी अच्छी लगोगी जितनी हाई हील्स में। दिल के इस जमी को भिगा दे। मैं तुम्हें रात को 2 बजे लॉन्ग वॉक्स के लिए लेकर जाऊंगा। हम वहां नंगे पांव चलेंगे, भुट्टे खाएंगे। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखने की कोशिश करूंगा अलीशा, क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब यही होता है। अच्छा सुन, एक बात बतानी थी तुझे। इस वीकेंड पे पापा ने पार्टी रखी है। आना है तुझे? हाँ। और कुछ ढंग के कपड़े खरीद लियो, अच्छे से तैयार होकर आइए। ठीक है, खरीद लूंगी। ये भी नहीं पूछा ना कि तुम घर ठीक से पहुंच गई या नहीं। सहीर, छोड़ो ना ये बेकार की। मैं अकेला नहीं हूं अलीशा, तुम भी फील करती हो। Just say it. Please, Sahir, don't do this. मैं तुम्हें जानती तक नहीं। पर इतना जरूर जानती हो कि मैं उस ऋषभ से कहीं बेहतर हूँ। तुम्हें लगता है ऋषभ को छोड़ना आसान है? एक बार पंगा लेकर तुमने देखा ना क्या हुआ? सहीर, अगर उसे जरा सा भी हिंट हुआ वो हम दोनों को मार डालेगा। अलीशा, I can handle it. Honestly, सहीर, मुझे अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ।
जरा सा भी हिंट हुआ वो हम दोनों को मार डालेगा। अलीशा, आई कैन हैंडल इट। अलीशा, आई नीड टू टॉक टू यू। सही, तुम यहाँ? मुझे पता है तुमने मुझे कहा था इस सबसे दूर रहने के लिए, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। कदम तुम दोनों का। बड़ा बेशरम आदमी है, इतनी मार खाने के बाद भी शर्म नहीं है तुझे? तेरी आज की चालू है इससे। गर्लफ्रेंड है ये मेरी, उसके पास अगर दोबारा दिखाई दिया ना तो तेरी वो हालत करूंगा कि खुद को नहीं पहचान पाएगा। तुझे खुद पे जरा भी भरोसा होता ना तो ऐसे इनसिक्योर ना हो रहा होता। तुझे पता है तो उसके लायक ही नहीं है। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है तू? आ जाना आज रात 12 बजे मैरोदी रोड पे, निकालता हूं सारी तेरी हीरोगिरी। अगर तूने मुझे हरा दिया ना तो कर लेना इससे जो बात करनी। साला सड़क छाप मजनू, चल। डन, पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन अब शर्त लगा ही रहा है तो ढंग से लगा ले। मेरी शर्त भी सुन, अगर मैं हारा तो मैं अलीशा से कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो तू भी अलीशा से कभी बात नहीं करेगा, समझा? तुझे लगता है तू जीत जाएगा? अबे मेरे बारटेंडर, पिछली बार भूल गया? चल, मंजूर है तेरा चैलेंज। वारा मेरे बारटेंडर, तू तो सच में आ गया। लगता है अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा प्यार नहीं है तुझे। शर्त तो याद है ना? ऋषभ, प्लीज ये मत करो, प्लीज। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज। तेरी वजह से हुआ है ना, तो अब देख तेरे बारटेंडर का क्या हाल करता है। नो, प्लीज।
इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ मुझसे बात कर पाने के लिए? नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए that I love you. और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी लड़ाई जीत सकता हूँ. So, what? इतनी चोटें खाई तुम्हारे लिए, एक बार I love you बोल दो. I love you, Zahir. I love you. I love you. शर्मियां बर्बादियां हैं इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ जुनू रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी